हाल ही में रिलीज हुई RRR मूवी को सभी ने पसंद किया, लेकिन इस मूवी में कुछ शख्स हैं जिनके बारे में सभी को एक ही सवाल है कि इस मूवी में जो एक्ट किया है बॉलीवुड के एक्टर या साउथ के एक्टर, सब लोगों ने एक एक को कितने पैसे दिया है राज मौली ने एक्ट करने के लिए। सबसे पहले आते हैं हम बॉलीवुड के एक्टर आलिया भट्ट ने। राजमौली ने इसे सीता के रूप में RRR सिनेमा में एक्ट कराया है। बहुत ही अच्छे एक्ट किया है आलिया भट्ट ने। उसका इस मूवी में सिर्फ 20 मिनट का ही एक्ट है और इस 20 मिनट का ही चार्ज उसने इतना ज़्यादा या इतना कम लिया है, इतना लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आलिया भट्ट ने इस एक्ट के लिए राजमौली सेल से 9 करोड़ रुपया लिया है, यानी कि 9 करोड़ रुपया इस एक्ट के लिए उसने लिया है। अब आते हैं अजय देवगन के। अजय देवगन भी इस मूवी में बहुत ही अच्छा एक्ट किया है। उसने बॉलीवुड का नाम और भी रोशन कर दिया है। अजय देवगन ने इस RRR मूवी में बहुत ही अच्छा एक्ट किया है। मैंने पहले ही बोला अजय देव ने इस मूवी के एक्ट के लिए उसने 25 करोड़ रुपया लिया है। हाँ जी दोस्तों, उसने इस एक्ट के लिए 25 करोड़ रुपया लिया है। अजय देवगन की ज़्यादा सीन नहीं है इस मूवी में, लेकिन उसने इस एक्ट के लिए 25 करोड़ रुपया राजमौली सर से लिया। अब आते हैं रामचरण पर। रामचरण जो कि RRR मूवी में राम की सीन पे है, उसने इस मूवी में इतना अच्छा काम किया है कि सब लोग हैरान हो गए देखते उसे। बहुत दिनों के बाद रामचरण की ऐसी एक मूवी हमें देखने मिली है जिसके वजह से एक फिल्म इतना ज़्यादा हिट हुआ है। कि आपको पता है रामचरण इस मूवी को एक्ट करने के लिए कितना पैसा लिया है? मालूम नहीं है ना आपको? तो चलिए हम जानते हैं रामचरण ने कितने पैसे लिए हैं इस मूवी में एक्ट करने के लिए। उसने इस मूवी में एक्ट करने के लिए 45 करोड़ यानी कि 45 करोड़ रुपया लिया है इस मूवी में एक्ट करने के लिए। 45 करोड़। यार मुझे तो सबसे अच्छा जूनियर NTR का सीन अच्छा लगा है। उसने इतना अच्छा एक्ट किया है इस सिनेमा में कि क्या बताऊँ आपको। उसने इस मूवी में भीमा के रूप में एक्ट किया है जो कि तेलुगु सहित वीरता। उसने इस वीरता को इस सिनेमा में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाया है, जिसे देख के मैं तो क्या आप भी हैरान हो चुके हैं, है ना। और इतना अच्छा एक्ट करने की वजह से ही उसको इस सिनेमा बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है। तो जूनियर NTR ने कितने पैसा लिया है इस सिनेमा एक्ट करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। उसने भी रामचरण की तरह 45 करोड़ रुपया लिया है, उससे एक भी ज़्यादा या कम नहीं, यानी कि 45 करोड़।